दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को सुबह नए संसद भवन के बिल्डिंग की छत पर कांसे के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। नए संसद भवन की छत पर बने कांसे के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के अनावरण के दौरान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। संसद भवन पर बने नए अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलोग्राम है। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय फोर के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। वही 6.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक को सपोर्ट देने के लिए 6,500 किलोग्राम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर 2022 तक नए संसद भवन का कार्य पूरा हो जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में आयोजित हो सकता है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? इतिहास बना रहे हैं। सबको मालूम है लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं? आपको पता है सबको? जी सर। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको, ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर, जी सर। वो वन राशन तो वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। दिव्य हिंदी न्यूज़, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। आज ही दिव्य हिंदी से जुड़े। इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमेशा अपडेट रहे। धन्यवाद।